अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, नाश्ता कर लिया है और अब हम यहाँ से निकलेंगे मोटरवे पे और डायरेक्ट कराची। बीच में कहीं रुकेंगे यार, कोई वॉशरूम वगैरह भी आ जाता है बंदे को, भूख भी लगती है, तो इस वजह से अब हम निकल रहे हैं अर्ली मॉर्निंग। क्योंकि सखर से आगे का जो रास्ता है वो सुनने में आया कि बहुत ही ख़तरनाक है, डाकू लुटेरों वाला है, तो घर वाले भी जो है वो थोड़ा टेंशन में है। वो कह रहे हैं कि सुबह सुबह निकलें ताकि हम पहुंच जाएं। तो अभी बस मैं आया हूँ, गाड़ी का पानी वगैरह चेक कर रहा था, तो गाड़ी तो टनाटन है, A1 है। तो आगे का रास्ता देखने के लिए ये वीडियो पूरी देखिएगा, थैंक यू। देखें जी, एलोवेरा लगा हुआ है हमारे रिलेटिव्स के घर। ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ख़ासकर लड़कियों के लिए। लड़कियाँ अपनी स्किन को लेके बड़ी कॉन्शियस होती हैं, तो उनके लिए ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छी है। तो मेरी बेगम भी बड़ी खुश हो रही थी क्योंकि उसे भी एलोवेरा चाहिए था, तो यहाँ से हम काफ़ी सारा तोड़ के अपने साथ लेके जा रहे हैं। ये है जी पालक, ये है जी शलजम, और ये पता नहीं क्या है यार, समझ नहीं आ रहा कुछ। एक घंटे से फंसे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन हमने एक चोर रास्ता ढूंढ के टूल प्लाजा के करीब पहुँच गए हैं। आगे हमारे दो ही गाड़ियाँ, उसके बाद हम हैं, और पीछे ये रश ही रश, बड़े बड़े टैंकर हैं। ये देखें जी, ये केले और खजूर के दरख्त लगे हुए हैं यहाँ पे, और अभी आपको दिखाते हैं। ये हमारे आगे एक पागल ड्राइवर लगा हुआ है और इसे मैंने भी क्रॉस किया है। और ये हैं जी गन्ने के खेत, बहुत ही सरसब्ज और ब्यूटीफुल। और ये वो जगह है जहाँ पे सैलाब आया था, अल्लाह माफ़ करे। देखें अभी तक भी यहाँ पे पानी मौजूद है। रास्ते में एक बहुत ही गंदा एक्सीडेंट। ये जी हम पहुंच गए हैं बिल आखिर कराची। ये कराची का टूल प्लाजा है, शीशा बहुत ही गंदा हुआ है क्योंकि रास्ते में मैं सखर के बाद मोटरवे नहीं मिली और हम उस पे थे जीटी रोड पे, तो सारे गधे खोते मोटरसाइकिल और जो भी जोकर शोकर थे सारे हमें रास्ते में बहुत ज़्यादा नज़र आए हैं। कराची रोशनियों का शहर, देखें कितनी रोशनियां नज़र आ रही हैं आपको, आते साथ ही सौगात मिल गई है कराची की। रश ही रश, रश ही रश, बस फंसे हुए हैं यहाँ पे 10-15 मिनट से, रींग रींग के चल रहे हैं। और घर वालों को कॉल कर दी है पुप्पो को कि आप जो है वो खाना तैयार रखें कि बहुत सख्त भूख लगी हुई है इस टाइम पे। तो बाकी जो है आपको उधर जाके मैं आपको सारा कुछ दिखाता हूँ कि क्या क्या हुआ है हमारे साथ। आ गया है दस्तरखान पे, और ये क्या है? सूप। फॉर स्टार्टर इट्स सूप। नाइस, लगता मजे कर रहा है। अब हम खाना वगैरह खा के बिल्कुल इजी हो के अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्लैट का व्यू। ये देखिए जी, ये बिल्कुल फूड स्ट्रीट के ऊपर जो है वो मेरी फूफो का फ्लैट है, ठीक है। ये आखिरी जहाँ पे बिल्डिंग नज़र आ रही है वो भी फ्लैट्स ही हैं, सारी बिल्डिंग फ्लैट्स की हैं। तो आखिरी जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है यहाँ तक ये फूड स्ट्रीट जाती है, और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर हर चीज़ आपको अवेलेबल है, डंकिन डोनट्स मीठे में, ठीक है, स्पाइसी फूड हर चीज़, इवन के बारबेक्यू देसी फूड भी अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हैं कि पिज़्ज़ा वगैरह हो तो ये देखें कि ये सामने पिज़्ज़ा पॉइंट है, ठीक है गाइस। और बाकी ये आप देख सकते हैं कि सुबह में जो है ना आपको मैं ये
पूरी मार्केट का तफसीली व्यू जो है वो आपको मैं करवाऊँगा।